नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनोखा और मनोरंजन करने वाला वीडियो लेकर आए हैं। आपका स्वागत है दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत कुत्ते वाले वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कितने अद्भुत और प्यारे कुत्ते हैं जिनकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी? यहाँ हम आपको लेकर जा रहे हैं 10 ऐसे अद्भुत कुत्तों की दुनिया जिनकी खूबसूरती आपको चर्चा करने पर मजबूर कर देगी। सो तैयार हो जाइए इन आश्चर्यजनक और प्यारे दोस्तों के साथ दुनिया की सैर पर, और जानिए कौन है वह 10 खास कुत्ते जिनकी खूबसूरती में आप भी खो जाएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि इस तरह के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, समोयेड। एक सुंदर और प्यारा कुत्ता है जो साइबेरिया से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 14 साल तक होती है। सामोयेड का वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक होता है और उनका लंबा बदन उन्हें एक अतिरिक्त दृष्टि प्रदान करता है। इनकी प्रमुख पहचान उनके दूध जैसे सफेद, घने और लंबे बाल होते हैं, जो उन्हें एक आकर्षक और अलग दिखावता देता है। सामोयेड का चेहरा मासूम और प्यारा होता है, जिसमें चकोर जैसे आकृति के काले आंखें होती हैं। इनके विचार बहुत ही समझदार होते हैं और ये अपने परिवार के साथ अत्यधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। सामोयेड एक प्रकार का स्लेड डॉग भी है, इसलिए ये कठिन काम के लिए भी उपयुक्त होते हैं। ये साथ ही साथ रखने के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका लंबे बाल का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है। सामोयेड खेलने और व्यायाम करने में रुचि रखते हैं। सामोयेड एक प्रिय एवं परिश्रमी साथी बन सकता है, जो अपने मालिक के साथ प्रेम और सहयोग में व्यवहार करता है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक बड़ा और बलवान कुत्ता है जो पश्चिमी अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 15 साल तक होती है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण मजबूत और लंबा होता है। इनके लंबे और घने बाल, जिसे कभी कभी मुलायम और सफेद धारा भी कहा जाता है, इन्हें एक विशेष पहचान देते हैं। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड बहुत होशियार और सामाजिक होते हैं और इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। ये अक्सर गार्डियन डॉग के रूप में काम करते हैं और उन्हें फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। इन्हें उच्च ऊंचाई पर खेलने और छलांग लगाने का शौक होता है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड अपने मालिक के साथ अच्छी तरह से संबंध बना सकते हैं और उनका साथ देकर खुशी महसूस करते हैं। नंबर 3, पोमेरेनियन। पोमेरेनियन एक छोटा और मनमोहक कुत्ता है जो प्रायः जर्मनी के पोमेरेनिया क्षेत्र से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 16 साल तक होती है। पोमेरेनियन का वजन लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण छोटा, मजबूत और लचीला होता है। इनके लंबे, घने और उत्तेजित बाल, जिन्हें कभी कभी व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, उन्हें एक खास पहचान देते हैं। पोमेरेनियन बहुत ही चालाक और जिज्ञासु होते हैं और इन्हें अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम और समझ का व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही सक्रिय और खिलौनों के शौकीन होते हैं और उन्हें ध्यान में रखकर प्रेरित किया जाना चाहिए। पोमेरेनियन अपने छोटे आकार के बावजूद अपने मालिक को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और अपने साथियों के रूप में अद्वितीय संबंध बना सकते हैं। नंबर 4, चाओ चाओ। चाओ चाओ एक मजबूत, भारी और अत्यधिक साथीदार कुत्ता है जो चीन के प्राचीन क्षेत्रों से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 9 से 15 साल तक होती है। चाओ चाओ का वजन लगभग 20 से 32 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण विशेष रूप से मजबूत और घना होता है। इनके बड़े और बौने बाल, जिन्हें दूध जैसे देखा जाता है, उन्हें एक विशेष पहचान प्रदान करते हैं। चाओ चाओ बहुत ही आत्मविश्वासी, स्वाधीन और साहसी होते हैं। इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। चाओ चाओ अपने आत्मविश्वास और स्वाधीनता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे भी अपने मालिक के साथ अत्यधिक प्रेम और सम्मान दिखाते हैं। ये कुत्ते साथ में आनंद और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं और अपने शांत और स्थिर स्वभाव के साथ अपने परिवार का सहयोग करते हैं। नंबर 5, पूडल। पूडल एक बड़ा और समझदार कुत्ता है जो जर्मनी के प्राचीन क्षेत्रों से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 15 साल तक होती है। पूडल का वजन विभिन्न आकार और प्रजातियों में भिन्न होता है, लेकिन सामान्य रूप से लगभग 6 से 32 किलोग्राम होता है। इनका शारीरिक निर्माण मजबूत और लचीला होता है। इनके बाल लंबे, मुलायम और घने होते हैं और इन्हें अनेक रंगों में देखा जा सकता है। पूडल बहुत ही समझदार, खुशमिजाज और अधिक सोचने वाला होता है। इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। पूडल अच्छे साथी और पालतू कुत्ते होते हैं और उन्हें अच्छी तरह से सामाजिकीकृत किया जाना चाहिए। ये आदर्श पालतू कुत्ते होते हैं जो अपने मालिक के साथ अत्यधिक स्नेह और सहयोग में व्यवहार करते हैं और अच्छे तरीके से सिखाई जा सकती हैं। नंबर 6, सलूकी।
सलूकी एक पुरानी और मान्य कुत्ता जाति है जो मध्य पूर्व के इस्लामिक राजाओं के इमारतों से आई है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 10 से 12 साल तक होती है। सलूकी का वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण लचीला और गर्म होता है। इनके बाल छोटे, मुलायम और आकर्षक होते हैं और अलग अलग रंगों में पाए जा सकते हैं। सलूकी बहुत ही शांत, समझदार और गर्मियों के लिए प्रिय कुत्ता होता है। इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। सलूकी अत्यधिक दौड़ने और उड़ने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। इन्हें स्वतंत्रता का बड़ा महत्व होता है और इन्हें खुले जगहों में अधिकतम आनंद मिलता है। सलूकी अपने मालिक के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनका साथ देकर खुश होते हैं। नंबर 7, माल्टीज। माल्टीज एक छोटा, प्यारा और सजीव संवाद कुत्ता है जो माल्टा द्वीप समूह से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 15 साल तक होती है। माल्टीज का वजन लगभग 1.5 से 3.5 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण लचीला, छोटा और अत्यधिक कुल्हाड़ी होता है। इनके बाल लंबे, मुलायम और सफेद होते हैं, जो उन्हें और अधिक आकर्षक बनाते हैं। माल्टीज बहुत ही चालाक, खुशमिजाज और प्यार करने वाला होता है। इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। माल्टीज एक अच्छा साथी और पालतू कुत्ता होता है और उन्हें लाइफस्टाइल के हर परिवर्तन में आसानी से अडॉप्ट करने की क्षमता होती है। ये खेलने और मिलने के लिए पसंद करते हैं और अपने मालिकों के साथ विशेष बंधन बना सकते हैं। नंबर 8, अफगान हाउंड। अफगान हाउंड एक लंबे बालों वाला और शानदार दिखने वाला कुत्ता है जो अफगानिस्तान से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 14 साल तक होती है। अफगान हाउंड का वजन लगभग 20 से 27 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण पतला और लंबा होता है। इनके बाल लंबे, घने और आकर्षक होते हैं, जो उन्हें एक विशेषता देते हैं। अफगान हाउंड बहुत ही गर्म, आत्मविश्वासी और खेलने का शौकीन होता है। इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। अफगान हाउंड एक अद्वितीय स्वभाव और गर्मजोशी के साथ अपने मालिक के साथ एक मजबूत बंधन बना सकता है। ये दरिया किनारे पर दौड़ने और उच्चाकार बनाने का खुशनुमा है और अपने रूप के साथ आकर्षण बढ़ाते हैं। नंबर 9, आयरिश सेटर। आयरिश सेटर एक सुंदर और उत्साही कुत्ता है जो आयरलैंड से आया है। इसकी उम्र सामान्य रूप से 12 से 15 साल तक होती है। आयरिश सेटर का वजन लगभग 25 से 32 किलोग्राम होता है और इनका शारीरिक निर्माण मजबूत और गर्म होता है। इनके बाल लंबे, मुलायम और आकर्षक होते हैं और इन्हें एक खास पहचान प्रदान करते हैं। आयरिश सेटर बहुत ही खुशमिजाज, उत्साही और प्यार करने वाला होता है। इन्हें अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करते हैं। आयरिश सेटर एक अच्छा साथी और पालतू कुत्ता होता है और उन्हें खुशी मिलती है जब वे अपने मालिक के साथ समय बिता सकते हैं। इन्हें खुले जगहों में दौड़ने का खास शौक होता है और वे खेलने और अच्छे समय बिताने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 10, फरो हाउंड। फेरो हाउंड एक अद्वितीय और खूबसूरत कुत्ता है जो माल्टा के फारेओ नामक स्थान से आया है। यह एक प्राचीन कुत्ता जाति है जिसे अग्निपथिक कुत्ता भी कहा जाता है। इसका उम्र सामान्य रूप से 12 से 14 साल के बीच होता है। फेरो हाउंड का वजन लगभग 18 से 27 किलोग्राम तक होता है और इसका शारीरिक निर्माण लचीला और कठिन होता है। इसके बाल चिकने, मुलायम और सतह पर होते हैं, जो इसके रूप को और भी सुंदर बनाते हैं। इसकी लाली संगत आंखें इसकी खूबसूरतता को और भी बढ़ाती हैं। फेरो हाउंड बहुत ही समझदार, चालाक और उत्साही होता है। इसे अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ का व्यवहार करने का खास शौक होता है। यह एक खास तर मार्गदर्शक कुत्ता है जो अपने मालिक के साथ अच्छे बंधन बना सकता है और उसे जीवन के रास्ते सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है। फेरो हाउंड को अच्छे रखवाले की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक गतिशील और आत्मनिर्भर कुत्ता है। इसे खुश और संतुष्ट रखने के लिए नियमित व्यायाम और मानसिक स्तर पर उत्साही रखना आवश्यक होता है। यह कुत्ता खुद को स्वयं संतुष्ट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह अपने मालिक के साथ खेलने और खुशी का महसूस करने के लिए भी तैयार होता है। इस अद्वितीय सफर के अंत में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।